जीडीपी जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, तो किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल के वित्तीय वर्ष में उस देश में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसका जो बाजारिक मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। जैसे मैं एक जियो का सिम ले रहा हूँ, 100 रुपये का सिम लिया और फिर उसमें 100 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो वस्तु क्या हो गया मेरा जियो का सिम, और जो इंटरनेट सर्विस ले रहा हूँ मेरा क्या हो गया, सेवा हो गया। तो ऐसे ही लोग मान लो 5 लोग ले रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, 201% पड़ रहा है, टोटल 1000 हो जाएगा, तो 1000 में क्या होगा, जीडीपी हो जाएगा उस समय। तो ऐसे जीडीपी नापा जाता है, मापा जाता है। और जीडीपी में देखो जो यहाँ पे लोग रह के काम करते हैं, जो देश के राजनीतिक सीमा में काम कर रहे हैं, केवल वही लोग जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है तो वो जीडीपी में योगदान नहीं देगा, वो उस देश के जीडीपी में योगदान देगा। कोई विदेशी कंपनी बाहर में आके काम कर रही है तो यहाँ पे जो भी उत्पादन करेगी तो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा, और अगर हमारी कंपनी कहीं बाहर चले गई तो जहाँ काम करेगी वो वहाँ के जीडीपी में इंक्लूड होगा। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार रिसेंटली 30 अप्रैल 2024 को जो फोर्ब्स का रिपोर्ट आया है उसमें भारत की जो जीडीपी है वो 3.942 ट्रिलियन डॉलर्स है, 5वें नंबर पे भारत, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है। तो किसी देश की अगर जीडीपी ज़्यादा है तो उस देश में रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे, उस देश में जो सरकार टैक्स ज़्यादा मिलेगा, विदेशी निवेश ज़्यादा होगा, तो ये सब कुछ फायदे हैं अच्छा जीडीपी होने का।